सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विकास सुमी। आज मुझे मेरी दादी वड़ियों और कोंदे की सब्जी बनाना सिखाने वाली है। कैसे बनाते हैं हनी बाबू? तो वड़ियों और कोंदे सब्जी सिखाओ, तो देखते हैं कैसे बना रही है मेरी दादी और मुझे। इसमें कौन डालोगे? पहला लून, मिर्च, हल्दी, धनिया सब मैं डाल दिया। हमें दे हमें बढ़िया लोग में। अच्छा, हमें बुंदी दे इनमें, हमें इनमें कौन गालो हूँ? अच्छा, उन्हें कौन गालो? हाँ, कोई ठंडा ही गाले बना ही गालो, पर मैं मारे उन्हें गालो। हम तो रोपन दे नहीं हटो। अच्छा, उन लोगों ने गाल दिया होगा इनमें, पता कौन नहीं नाम दोगे? अच्छा, कौन दा नाम के पता उन लोग कौन ही नहीं गालो, थोड़ा गाल। क्यों? कौन ही सोए जो को बढ़िया सोए, कौन दा तो सोए को जाम में ले ले। अच्छा, हमें कौन दा नाम के दोड़ा दो पण अपन वडियो लेके ने माय निकाल लेनी। ये एको कोनी पूरी माचा पकते पण गरम पानी गालो। अच्छा, गरम पानी छोड़ दिया जे 10 मिनट। तुम्हें दादी बोली कि आज तू उठ इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ कि ये सब्जी कैसे बनाते करके। पर मैं अलग बनाती हूँ, दादी का स्टाइल मुझे कुछ अच्छा लग रहा है बनाने में। हमें ही नहीं अंदनी गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं जल्दी उठ गई थी, वरना रोज 9 बजे उठ रही थी। तो मेरी दादी ने बताया ही होगा आपको कि सब्जी कैसे बनाते। मैं सोई थी तो वो मुझे उठाया और बोले कि देख सब्जी ऐसे बनाते करके। मैंने बोला ओके। धूप भी नहीं आई है इतनी अभी तक। तो मेरी दादी ने बोला इधर ही खड़ी रहे, मैं बता रही हूँ देख के। अच्छा, पहले नहीं गाली पानी? पहले नहीं गाली। मुझे समझ क्या था कब भरी हो? ओ वीडियो नहीं, मम्मी दे कि हैंग जना दे कि था बोलो थारो कोई बोलना मैं। हां बढ़िया साग बना रहा हूं। दादा कोई करो हो? दादा अतरी ठंड लागे था ने आ टोपी साल है। तो मेरे दादाजी इतने दिन तक मुंबई थे हमारे साथ और अभी गांव आए हैं। दादा मैं फंसा कदे आलो मुंबई पता आलो तो पर छास और ये मस्त सुबह सुबह नाश्ता और ये खाना सुबह सुबह खाना और ये मेरे बाबू ने इस चूल्हे पे बनाई है रोटी और मेरे लिए चूरमा बनाया है। तो मेरे पापा को देते हैं लोटा भर के पानी। तो अभी घर का पूरा काम हो चुका है और मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो सोचा कि रील शूट कर लेती हूँ। वैसे आपको बता दूँ आज है 18 फरवरी 2024 की, तो आज का दिन मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज मेरा एनिवर्सरी मीन्स मेरे शादी को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ईयर्स कंप्लीटेड। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ड्रेस पहन के इसमें कुछ रील शूट हो जाए। कदे बता भी जा रही कितना लिया था थार का ना? 200 रुपया। दो अरे चूसका बच्चा भी है। ये देखो इधर भी है, इधर भी है। अरे हम लोग जाएंगे कैसे? पीछे आएगा, बीच में ये पड़ा है और हमको जाना है। अब ले लो फटाक से, जान दो उसको ही पहले।
गाय भैंस बकरी का ट्रैफिक होता है, फिलहाल ऊंट का ट्रैफिक है। सोची कुछ बैंगल्स लेके जाओ, जो कि मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ। तो ये भाभी भी बोल सकते हैं इनको, दीदी भी बोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि मैंने आपको परसों मतलब याद ही किया था करके, तो मैंने बोला लो आपने याद किया इसलिए मैं आज आ गई। पापा लस्सी मैंने लिया है मेरे लिए, जूस, और मेरी दादी के लिए लिए हमने जलेबी। आज बहुत ज्यादा हवा चल रही है। अभी हम लोग आए हैं हमारे खेत में, पूरा एंड तक ये है सब चने की फसल है। तो ये हम लोग मुंबई लेके जाने वाले हैं, इतना नहीं और भी लेके जाएंगे, वो पूरा भर के लेके जाएंगे। तो ये होते हैं चने, इसके अंदर से निकलते हैं, इसको गरम करके ऐसे भी खाने में मजा आता है। इट्स कॉल्ड हरपटिया इन मारवाड़ी। और ये अंकल है जो मतलब खेत का ध्यान रखते हैं, और मेरे पापा, हमारी बाइक हमने वहाँ पार्क की है, अभी हम जाएंगे ऐसे चल चल के। आज बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है मारवाड़ी में, जो वही तो घुमा ले रही है। मतलब धानी भी गए थे वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, लग जाएगी सब। लोग रखवाला करते हैं रात के टाइम में, कोई शेर है, कुत्ते हैं, पापा सुना था, भटूरे हैं, और उनको भगाने के लिए सब हमको शस्त्र रखना पड़ता है। ओ, क्या बात है। हाँ, भारी भी बहुत है ना। हाँ, और कोई हमारा दुश्मन आवे तो उसके लिए हमला करने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। क्या बात है। हाँ, कौन है आपका दुश्मन? अरे हमारा दुश्मन भी बहुत है। क्या कर सकते हैं अभी? अरे आ सकते हैं हमला करने के लिए, इसलिए हम पहले से तैयार रहते हैं। और पर इतने बड़े खेत में खाली एक दिन कैसे? अरे ये है ना हमारा दूसरा एक भिड़ू, साथ में रखते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, ये 100 पे अकेला भारी है। ओहो, क्या बात है। खाली रात रह गए, डर नहीं लगे? चलो हम भी चलते। तो मेरे पापा तो स्टार्ट हो गए तोड़ने के लिए, तो मैं देखूंगी ये कैसे कर रहे हैं। तो अभी ये खेत में, जैसे कि हमारे फार्म हाउस में खेती हुई है, जैसे कि ये हरपटिया इसको बोलते हैं, इसमें से ये ऐसे ये तोड़ते हैं जो कि चने हैं। ये फिलहाल अभी बहुत खट्टे हैं, और इसके अंदर से इस टाइप के ये चने निकलते हैं जो कि पकते हैं, जो हम खाते हैं ना। तो हम लोग ये फट्टा लेके आए, इसमें ऐसे सब तोड़ तोड़ के डाल रहे। अब यहाँ फ़ोन एकदम मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंदर आई हूँ, तो कोई मेरे पीछे आया ही नहीं शूट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि फ़ोन यहीं रख के शूट कर लेती हूँ। इससे हाथ पे इचिंग भी बहुत होती है, एकदम खट्टी खट्टी। तो गाइस मेरे को भी बहुत इचिंग हो रही है, तो मैं हमने और घूटे ज़्यादा नहीं घूटे, पर देखो इससे हाथ कैसे रेड रेड हो रहे। देखो इचिंग होती है बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते ना एसिडिटिक होते वो बाहुबली। बाप रे, इतना जल्दी पापा खूट दिया। हम लोग ने आधे तोड़ के लिए और आधे घर जाके इसको एक एक निकाल के, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें वो है। मैंने सब जगह पोछा लगा लिया, तो अब मैं ये हॉल में पोछा लगाने वाली हूँ। सच में यार मेरी दादी और दादाजी दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। आई डोंट नो कैसे मतलब इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा एंड ऑल, हालत खराब हो गया।
चप्पल पहन ली। ये एक दो तीन चार रूम में पोछा लगाया, दो रूम तो लॉक ही है। फिर मेरे दादाजी के हॉल में भी मैंने पोछा लगाया जहाँ वो सोते हैं, यहाँ भी लगा लिया। और ये जो हम कल खेत से तोड़ के लाए थे ना, अभी मैंने के बाद हालत कैसे हो गई मेरे बाल की शक्ल की पूरी, तो अभी बनाएंगे भिंडी की सब्जी और रोटी। तो मैंने ये भिंडी ले ली और मैंने अभी इसको वॉश भी कर दी, क्योंकि क्या पता इसके ऊपर कुछ केमिकल कुछ डस्ट होंगे, तो इसलिए पहले ही वॉश कर दी। और इसमें डालूंगी एक टोमेटो और तीन मिर्ची। तो मेरी दादी आ रही, बोलेंगी फटाफट बनाओ मामा। फोन में बात कैसे कर सकते? हाँ वो तो यही शायद प्रणाम कर रहे हो, गेस्ट आया उनको प्रणाम करके। ठीक है चलो मैं सब्जी कट करती हूँ उसके बाद। तो मेरी दादी बना रही है चूल्हे पर रोटी, ये बनाई भिंडी की सब्जी मैंने, और इसमें बनाई ये पापड़ की सब्जी। सीरियस होते मैं दादी रोटी बना रही, मैंने बोला स्माइल तो करो, तो स्माइल भी नहीं करते। तो हमने खाई है भी गरम गरम रोटी, दादी घर की रोटी खाना अलग ही मजा आता है। सो स्वीट ऑफ यू माय दादी, रोटी बनाते टाइम मेरा हाथ जल गया था, है ना बाबू? थैंक यू कौन नहीं तबो अपर यू यू वे हाँ बाबू ठीक कभी बात जो था पे पापा कहाँ गए थे? मैं क्यों ना खुद हुए ना गौ ने हुआ नहीं। तो मैंने और दादी ने तो पहले ही खाना खा लिया था, पर घी और रोटी ये कैसे नहीं आए? इंजॉयिंग घी और रोटी ऐसे लेंगे, ऐसे घी और घी ये घी और ऐसा क्या बाबू ऊपर पहले मौका ना तुम। गट्टू गट्टू बाबू तो बहुत ज्यादा अच्छी बाबू दे, कोई कहना चाह बोला लोगों ने बोलो थे हैंगो ने कोई शिक्षा दौला वो बोलो
बोलो बाबू। हाँ बढ़िया रहना, बस खाली बढ़िया रहना। हाँ तो दूसरी किन्नी करनी को नहीं, आगे पास ही करनी को नहीं। और कुछ? और आप अमृत रहना, सुख शांति रहना। ओके। कजिया करना नहीं, कजिया रखना नहीं घर में। ओके डन। मैं सुबह सुबह छाछ लेने के लिए आई थी हमारे जो नेबर से उनके घर पे, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक छोटी सी गाय की बच्ची भी है जो कि इतनी ज्यादा क्यूट है, तो मैं फोन घर पे भूल गई थी, तो मैं गई और फोन लेकर आई। मीन्स मैं इतने दिन के ब्लॉग सब एक साथ ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखो इतनी ज्यादा क्यूट है, थोड़ी देर पहले मेरे को तो गाल पे ऐसे कर रही थी, ये अभी नहीं आ रही है बट ये आएगी। देखो अच्छा चूपी चूपी अच्छा अच्छा आ तो अलग ही अलग ही जाए। हाँ इन बुलाओ और बुलाओ। हाँ 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 तो ये इनकी है, इन बुलाओ आगे बुलाओ आगे क्या है। अच्छी हंचुरी गटुरी हंचुरी हक्कल वहां से निकल गई और ये ऑटोमेटिक बाहर आ गई। मैं भी डर गई कि बाहर किसे आएगी, तो बांधी हुई थी। हशु थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ मुंबई आई जो, इतने दिन दादाजी हमारे साथ मुंबई थे, अभी ये गांव रुकने वाले हैं, तो हार्डेस्ट गुड बाय है, वापस जल्दी मिलेंगे। बनो तो दादी से अभी तिलक निकालेंगे, बहुत मिस करेंगे इस घर को और दादा दादी को भी।